सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेयर बैक विथ अ न्यू व्लॉग। तो भाई स्वागत है आपको मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो कल दिवाली था, किसी को भी नहीं कर पाया, सबको हैप्पी दिवाली दिल से। एंड आज अपन जाने वाले हैं यहाँ से कोरी डैम बिलासपुर से। अभी रास्ते ही में देख रहे हो रतनपुर बाईपास है। व्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे से भाई घूमने जा ही रहे थे, व्लॉग बना ही लेना चाहिए। इसलिए पता है मैंने निकला था घर से दवाई वही लेने के लिए, मेरे से को सर्दी बुखार थोड़ा सा, फिर भी जा रहा हूँ ना, सर्दी से दवाई लेने निकला था। दोस्तों बोलते घूमने चलते हैं, अखा बिलासपुर बंद है भाई, निकलते हैं। जस्ट अपन पहुंचे अभी रतनपुर, रतनपुर के पास रुके हुए हैं खाने वगैरह के लिए। आप तो देखिए रहे हो यहाँ पर थोड़ा सा कवर करेंगे, उसके लिए मिलेंगे थोड़ी टाइम के लिए। हाँ तो नहीं तो नहाया है ये बंदा और ये बंदा, बिल्कुल नहा के नहीं आया, खारा भाई फुल नहा के आया भाई ना। हाँ छोटे क्या हाल चाल, चले आज का सुबह का दिन भर में अभी खाना नसीब हो रहा है, पता है, चलो खाते। तो भाई लोग नाश्ता वगैरह अपन अभी किए जस्ट एंड निकलते हैं। एक्चुअली सर्दी भी बहुत गंदा पकड़ लिया ना, ये दिक्कत हो गया मेरे को। और गाड़ी में एक दिक्कत ये हुआ, अभी दिखाता हूँ क्या हुआ। गाड़ी में एक दिक्कत ये हो कि ये वाला जो है ना कल का गिर गया था तो फेंकाने लग गया, प्लस यहाँ का ये वाला नट है ना, ये वाला ये घूम गया। तो आस पास अपन को गैरेज देखना पड़ेगा। हाँ गर्मी तो बहुत गंदा है भाई, ऐसे ही गिरा था गाड़ी, पता है। तो चलते हैं, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कि अपन स्पीड से जाएंगे ना, तो वहां लेके चलते हो सामने दुकान में काठ नट मिली। चलो भाई तो वो दुकान देख रहे हो, जस्ट सामने में एक तो दुकान है, वहां पर देख रहे हैं जाके ट्राई करते हैं, क्या पता मिल जाए। तो फाइनली गाड़ी वगैरह जो है एकदम मस्त बन गया अपना, पर क्या है उसका नट मिला ही नहीं अपन को ना, जो पुराना एक ही नट, दो नट लगता है, एक नट को अपन टाइट कर दिया तो मैनेज हो गया। यहाँ से निकलते हैं, 14 किलोमीटर सीधा रास्ता पड़ेगा भाई ये वाला, अपन सक्रिय का आते जल्दी पहुंच जाते हैं। But how hard I try, I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I. When you're here, you. तो भाई लोग अभी लगभग अपना आधे ज्यादा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, निकल गए हैं रतनपुर से। जैसे कोटा रोड करता है ना, तो लगभग 14 किलोमीटर का रोड बताए थे, लेकिन अपन 10 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, 4 किलोमीटर बचे हैं। रास्ते में रुके हैं, मैप वगैरह चेक करना पड़ेगा कि इस रास्ते से मैं लगभग 3 साल पहले आया था भाई। तो अभी जा रहे हैं और सक्रिय और रास्ता मैं देखा नहीं हूँ, तो यहीं से पहुंचेंगे सीधा। और फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई लोग फाइनली पर पहुंच गए कोरी डैम के जस्ट बगल में ही है, मतलब जस्ट आगे है नहाने वाली जगह। तो अभी अपन निकलेंगे यहाँ से फोटो वगैरह खिंचाने के बाद, और कुछ नहाएंगे वहाएंगे, बाकी सामान वामान तो लाए नहीं, खाने का रास्ते में ढाबा में खाएंगे जाते टाइम। चल देखते हैं कैसा है सीन है, वैसे पानी वगैरह तो होगा बस इतना यकीन होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही आए थे दोस्तों यहाँ घूमने के लिए, तो साफ पानी तो अभी भी होगा ही होगा। तो मेरा बाइक पीछे देख ही रहे हो, थोड़ा वगैरह लुक होने दो, उसके बाद निकलते हैं। तबीयत थोड़ा सा डाउन है भाई, थोड़ा इग्नोर करना उसको। चलिए तो गाड़ी कुछ ऐसा सीन है कि ना कल गाड़ी नाइट में ही गिर गया था दिवाली के टाइम ही, तो ये पूरा मतलब टूट गया है, पता नहीं ये बन पाएगा नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा टूट गया ना, उसका कुछ जुगाड़ वगैरह अपन देखेंगे। बाकी चलते हैं, बाइक कहाँ तक आ गया अच्छी बात है, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। तो फाइनली भाई लोग अपन पहुंच चुके हैं कोरी डैम। इस बार पानी बहुत कम है यार, बहुत लेट से आया अपन, ऐसा सीन हो गया। पीछे साइड मस्त पानी है, और जो डैम है ना, डैम के उस पार पानी बहुत सारा है, बस अभी बह नहीं रहा पानी, तो नहाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्लीन पानी है, नहा सकते हैं। अभी आपको कुछ दिखाते हैं, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स, बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है ना। ऐसे तो भाई लोग अभी अपन फाइनली नहा वहा लिए हैं यहाँ, इसके बाद अपन जाने वाले हैं जो एक और डैम है मेन डैम, उसको देखने के लिए। ये वाला जो है नहाने वाली जगह है, हालांकि पानी इस बार चल नहीं रहा है पूरा, मतलब खत्म होती आ गया, तो पानी है इस साइड, पानी है उसमें नहा सकते, पानी बहुत क्लीन है वहाँ भी, आप लोग का अच्छा हो जाएगा। और सरप्राइजिंगली बताऊँ एक बात, घर में हम लोग बिल्कुल पता नहीं आया कि हम लोग कोरी डैम आए बोल के। मैं घर से निकला था दवाई लेने के लिए, पता है मेडिसिन लेके आ रहा हूँ बोल के, फिर मम्मी को कॉल आए बीच में, तो बोल दिया कि दोस्त यहाँ हूँ, इस चक्कर में घर में तो बिल्कुल पता नहीं आप लोग इतना दूर आए, लेकिन जल्दी निकलते हैं, घर वालों को 5 बजे से पहले घर पहुँच ही जाएंगे ना भैया ना। तो चलो तो